नमस्कार, रसोई में तुम्हारी में आपका स्वागत है। मैं सुषमा त्यागी आज बनाने जा रही हूँ चीज़ गार्लिक ब्रेड, जिसे हम ओवन और विदाउट ओवन दोनों बनाएंगे और जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हो और बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये 4-5 कलियाँ लहसुन की ली है, जिसे मैंने पहले से ही छीन लिया है, और 2 बड़े चम्मच मैंने मक्खन लिया है। मैंने देसी घी लिया है, आप इसकी जगह मक्खन भी ले सकते हैं, और घी हो तो घी ले लें। मैंने घर का बना देसी घी लिया है। और इन लहसुन की कलियों को हम इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें बारीक बारीक चॉप कर लें, लेकिन मैंने कद्दूकस कर लेती हूँ। और आप हरा धनिया भी ले सकते हैं, या आप जो हम पिज्ज़ा में सीजनिंग यूज करते हैं आप वो ले लें और बारीक बारीक उसे काट लें। तो देखिए, मैंने ये 1 चम्मच मेरा लहसुन है, जिसे मैं इस मक्खन में डाल दूँगी। हमने जो घर वाली चम्मच होती है उसी को यूज़ किया है मेजरमेंट के लिए, तो इसे हम इसमें डाल देंगे। और धनिया जो आप डालना चाहते हैं वो भी डाल दें इसमें, या पार्सली। तो मैं ये काट लेती हूँ, मेरे पास ये ग्रीन है, हमारे यहाँ पेड़ है, तो मैं इसी को काट के बारीक बारीक इसमें डाल दूँगी। आप पिज़्ज़ा सीजनिंग में ले सकते हैं वो डाल दें, अगर आपके पास रखी हुई हो। 1 छोटी चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे, आप स्वाद अनुसार डाल दें। और इसमें हम 1 बड़ा चम्मच शहद डाल देंगे। अगर आपको मीठा खाना पसंद नहीं है तो ना डालें, इससे थोड़ी सी हल्की सी मिठास आती है। और 1 चम्मच हम डाल देंगे इसमें चिली फ्लेक्स। बस इतना ही सामान हमें इसमें डालना है, जो हमारे घर पे होता ही है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने ये 2 ब्रेड लिए, ब्रेड पर हम ये वाली चीज़ स्लाइस रख लेंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप चीज़ कस के भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास पिज़्ज़ा चीज़ है, और इसे हम काट लेंगे। हमें सिर्फ ऊपर वाली ब्रेड ही काटनी है, नीचे वाली ब्रेड हम नहीं काटेंगे। अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो नीचे वाली भी काट सकते हैं, लेकिन हमें ये सेकना है, सेकने से अलग अलग हो जाएगी, तो इसलिए हम सिर्फ ऊपर वाली ही काटेंगे। अगर आप तवे पे बना रहे हैं तो ये देखिए, मैंने इसे हल्का सा ऊपर से काट लिया है, एक पहले वाली ब्रेड को, नीचे वाली हमारी जुड़ी हुई है। इसे अच्छे से हम ऐसे ही काट लेंगे ठीक से, और इसके ऊपर जो हमने अभी बनाया है मिक्सर वो लगा देंगे, मक्खन वाला। इसे खूब अच्छे से हमें लगा देना है। तो ये देखिए, मैं बहुत अच्छे से इसे फैला दूँगी इसके ऊपर। तो ये देखिए, हमने अच्छे से इसे फैला दिया, और एक बार हम चाकू से फिर से कट लगा देंगे, ताकि जो ये मक्खन और ये हमारा मिक्सर है ये अंदर तक इसमें चला जाए इस तरह से। और मैंने ये ओवन में सेकने के लिए एक और तैयार करके रखा हुआ है, 2 तैयार कर लिए हैं। इस एक हम तवे पे सेकेंगे और एक आपको मैं ओटीजी में सेक कर दिखाऊंगी ओवन में। तो चलिए, ये हमारा तैयार है सेकने के लिए। अब हम गैस ऑन कर लेते हैं और उस पर रख लेते हैं तवा, और इस तरह से हम इसे रख देंगे उस पर। तो इसे तवे पर ही सेकने देते हैं और दूसरे को हम रख देंगे ओवन में। तो वो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी आपको, मैं सेकने के बाद आपको दिखाऊँगी कि वो कैसा सिका है। थोड़ी देर इसे ऐसे ही सिकने देंगे और धीरे से फिर हम इसे पलट देंगे। ध्यान रहे ये जलने न पाए। नीचे से आप थोड़ा सा देख सकते हैं उठा के, और फिर इसे धीरे से इस तरह से पलट देंगे। तो ये हमने इसीलिए नीचे से नहीं काटा था, ताकि हम इसे आराम से पलट सकें। और ये देखिए, हमने इसे पलट दिया, थोड़ा सा हट गया है, तो हम इसे सेट कर देंगे। थोड़ा सा ऊपर हम इसे दबा देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। थोड़ा घी लगा देंगे ऊपर मक्खन, और ये देखिए, ये बहुत अच्छा हमारा सिक गया है। जो ये हमने दूसरा पीस तैयार किया था, इसे हम ओटीजी में रख देंगे सिकने के लिए ओवन में। तो ये मैंने ट्रे ली है, और इसके ऊपर भी हम इसी तरह से धीरे से कर देंगे। ये हमने पूरा कट किया हुआ है नीचे से भी, और इसे 10 मिनट के लिए हाई वोल्टेज पर हम रख देंगे, काफ़ी हाई हीट पर। तो ये देखिए, ये तवे वाला हमारा सिक गया है। तवे पे इतना अच्छा नहीं सिकता है जितना हमारा ओवन में सिकता है, थोड़ा सॉफ्ट रह जाता है। और ये देखिए, ये हमारा ओवन वाला है, ये बहुत ही अच्छा क्रिस्पी सिका है। ये देखिए, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि ये आपने घर पे बनाया है। और बहुत ही स्वादिष्ट है, और बनाने में बहुत ही आसान है। आप कुछ तैयारियाँ पहले से करके रखें तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह वीडियो यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।